फिल्म्स में हम सूर्य हो आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी साउथ इंडस्ट्री से बहुत बड़ी खबर आ रही जो आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको ये मैंने बताया था कि तमिल वर्जन के स्क्रीन्स इंक्रीज हुए हैं, दूसरे दिन मैंने बताया था और यहां पर खबर आई थी कि आज जो मैंने अपडेट किया था कि कनाडा में भी स्क्रीन्स इंक्रीज हुए, शोज इंक्रीज हुए। अब जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको और एक्साइट करेगी, तेलुगु वर्जन यानी कि आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी स्क्रीन्स इंक्रीज हुए हैं और साथ ही केरला में भी स्क्रीन इंक्रीज हुए हैं। ये क्रिटिक्स द्वारा अपडेट आ रही है जो बहुत अच्छी अपडेट है, यानी कि आज दिन है, आज से फिल्म और धमाका करेगी, और ज्यादा शोज पर फिल्म रिलीज होगी और ज्यादा बढ़िया तरह से आप देख सकते हैं आपके आसपास का मतलब। शायद अगर नहीं रिलीज होगी, कई लोगों ने 80 किलोमीटर दूर जाके देखी, मैंने भी काफी दूर जाके देखी, कई लोगों ने दूर जाके देखी फिल्म, तो आई थिंक शो ज्यादा होने से, इंक्रीज होने से या फिर अलग अलग जगह नई जगह रिलीज होने से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बिना ज्यादा दूर जाए देख सकते हैं इस फिल्म को। ये अच्छी फिल्म है और डिजर्व करती है सभी का देखना और यही एक रीजन है कि ऑडियंस से ये फिल्म कनेक्ट हो चुकी है और ऑडियंस से जब फिल्म कनेक्ट होती तो ऑडियंस डिमांड करती है, थिएटर में जाके बोलती है भैया ये फिल्म है, लगी है क्या, ये फिल्म लगी है क्या। तो जहां पर दो दिन तीन दिन पहले मैंने गया था मिराज पे, बोले थे यार अभी तक ऐसे इस फिल्म को कुछ आइडिया नहीं है, कल एक दिन पहले की बात है दोस्तों, एक दिन पहले की बात है, एक दो दिन पहले की बात है। और उसके बाद आपने देखा अब इतिहास सच दिया है, अब हर काउंटर पे यही पूछ रहे कि भैया KGF रिलीज हुई है कि नहीं, तो अब हर जगह लगभग रिलीज होगी और मुझे ऐसा लगता है और ये ज्यादा शोज आने से, ज्यादा स्क्रीन आने से इस फिल्म को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो एक जो स्टार्टिंग फिल्म का जो स्लो हुआ था, ये फिल्म धीरे धीरे अब अपनी रास्ते पर आ रही है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ये टेक ऑफ इसने ले लिया है, अब लैंडिंग नहीं करने वाली है, आई थिंक नहीं करेगी, एक दो महीने तक तो नहीं करेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।